प्यारे साथियों, अब एक ड्रामा पेश करने आ रहे हैं मुजम्मिल और साथी। मुजम्मिल और साथी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी की शादी है, मुझे एक देवदार चाहिए। ठीक है भाई, ये ले जाओ। दुकानदार साहब, आपकी देग मैं ले आया और ये देग मैं बचा दिया है। हाँ 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 पागल, देग का बचा ले आया, चलो फायदा हो गया। दुकानदार साहब, मेरे बेटे की शादी है, मुझे एक देग उधार दे दो। आप बहुत अच्छे आदमी हो, ये तुम्हारी अपनी दुकान है, ये चांदी वाली देग ले जाओ। दुकानदार साहब, आपकी चांदी की देग मर गई। पागल हो गए, देग भी कभी मरती है? देग बच्चे दे सकती है तो मर नहीं सकती। सबर कर, मैं नंबर जा रहा हूँ बुलाना। नंबरदार साहब, पहले मैंने इससे देख ली थी तो इसकी देख ने बचा दिया, तो मैंने इसे ला कर दे दिया आप, और इसने ले लिया, अब इसकी देख मर गई तो ये शोर मचा रहा है। ये आदमी सही कहता है और आप झूठे हो। चलो सच कहते हैं, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। चलो जी, ये सारे लाई लाई बैठी भी खड़ाई है, लालो आप देख भी खड़ाई। जनाब सदर, अब अपने हेडमास्टर साहब को दावा देता हूँ कि
अगले शहर तक नहीं लगता चार बजे In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, Honorable President, respectable teacher, and dear student, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech is Make Pakistan Green. As the poet said, Baka ki fikar karo apni zindagi ke liye. बका की फिक्र करो अपनी जिंदगी के लिए जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए And this universe, every man like the granary, it reflects light and present to the eyes, granny as the beauty of land, mankind, animal, bird, insects and other many things depend on green grasses, crops, fruit and vegetables. Mr. President, our country Pakistan is an agriculture country. 75% of our population are engaged in agriculture. The textile mill, sugar mill and others get raw material from agriculture and granary. Pakistan is God-gifted country. We have four seasons. Every season brings your own enjoyment, like flower of spring and snow of winter. Dear audience, pollution is great problem in Pakistan, which destroys ozone layer, which in turn causes many environmental change like intensity and shortage of rain. Trees are only thing to control all these problems. Teachers and parents should highlight the importance of the granary. If we want to protect our coming generation, we should grow more plants and trees. Inshallah, in future Pakistan will be a green Pakistan. I am ending. I am ending my speech on these words of a poet. Numaya ho ki dikhla de, kabhi unko jamal apna. Numaya ho ki dikhla de, kabhi unko jamal apna. Bahut muddat se charche hai tere barik dino mein usala. अब अपने मास्टर साहब को दावा देता हूँ कि वो आए खुद पर शुक्रिया पेश करें और आगे स्टेज संभाले मोहतरम जनाब सदर महफिल अलिया खान साहब मेहमानान खुसूसियान जनाब एम पी ए फैसल जमान साहब और मेरे इंतहाई बेहतरीन दोस्त शफीक दोस्त उर्फाज जी लाला अंजमन तालीम तदीज के सदर जनाब फरमीद साहब मेरे स्कूल की रिसीव कमेटी के चेयरमैन मलू नईम साहब जनाब एहतशाम खान साहब खालिद साहब असाजा साहबान मेरे स्कूल काजीपुर साजा साहबान अजमल खान साहब अजमल साहब तशीफ लाए मजीद जो मेहमान आजाद जहाँ तशरीफ फरमा है मेरे अदा इसी दावत पर साफी आजाद जहाँ पर तशरीफ आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप वालदेन और मजीद अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम आज का ये प्रोग्राम हर साल की तरह जो हम साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन ये आखिरी प्रोग्राम जो होता है तकसीम अनामात को हम योम वालदेन का नाम देते हैं जल डे भी होता है और दस्तूर के मुताबिक रवाज के मुताबिक मेहमाना ने खुसूसियान को भी दिया मेहमान खुशी की तशरीफ लाते हैं इस सिलसिले में हमेशा हमारे साथ अलियास खान साहब अपने बुढ़ापे और कमजोरी के बावजूद यहाँ पर तशरीफ लाते हैं
इस तरह इंतजाम हमने हमेशा स्कूल के मामलात में हालत में नहीं ने इन लोगों ने मेरी अदना सी बात पर अदना सी के पर हमेशा मेरी जरूरियात स्कूल की जरूरियात को उन्होंने पूरा किया है और आपके सामने है और आप वालदेन का बतौर खास शुक्रिया अदाश नहीं करना चाहता हूं कि आपने हमेशा मेरे साथ तहावन ही नहीं किया बल्कि मेरी डांट डपट भी आप बर्दाश्त करते हैं। ये आपकी बड़ी मेहरबानी और आप पर बड़ा पान है और ये आप क्यों बर्दाश्त करते हैं आप समझते हैं कि हम अल्लाह के फजल करम से सच आपके बच्चों की मुस्तकबल के लिए जोश कार्य करते हैं और आपके लिए के साथ अपने गांव के साथ और अपने बच्चों के साथ हम मुखलस हैं इसलिए आप लोग हमारे साथ तहावन कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सामने बच्चों ने छोटा सा प्रोग्राम पेश किया है। डॉक्टर साहब आप पहली दफा हमारे मेहमान खुशी बने स्कूल में आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा ये दावा है कोई भी प्राइमरी स्कूल तो छोड़े कोई पब्लिक स्कूल जो कर करके मेरे स्कूल के सामने ला सके अगर आप तो हैं एडियो साहब बैठे हैं लंबी कतार में यहां पर तकारीर भी लगा सकता हूं या भी एक सेकंड में और आप अपनी पसंद से वो तकारीर सुने मैं लंबी लंबी नाथ खान आजाद को वो लाइन लगा सकता हूं। मैं आपसे कहूंगा कि आप सुने अगर आपकी ख्वाहिश हो तो मैं हाजिर हूं अगर आपके पास टाइम हो तो है टाइम आपके पास तो आपके पास टाइम नहीं है। आप जब नहीं आए थे तो तकरीबन डेढ़ घंटा पौने दो घंटे ये मेरे बच्चों ने सारे साथ तमाम वालदैन को मसरूफ रखा तकरीर करते रहे नाते पढ़ते रहे माइय नगमे कहते रहे कुछ ना कुछ करते रहे तो आप हमारे लो साहब बैठे हैं कोई एक स्कूल ऐसा सामने आए जो एक तो ये हमारा तैयार प्रोग्राम है इसके से हट कर दो ढाई घंटे अपने चुरका को महसूस कर सके और उनको साथ गुजार सके इंशाल्लाह ताला आपको नजर नहीं आए। देखें ये पीढ़ियां ये जो कुछ हम करते हैं इसकी हमारी कोई मजबूरी नहीं है ना हमसे मैं बैठे हैं ना मैं काम से ये जबरदस्ती डिमांड कर सकता है ना हम कर सकते हमसे ले सकते हैं ये हमारा अपना शौक और हमारा अपना एक सिलसिला है जो हमने शुरू सरस जब से ज्वाइन की है। अल्लाह पाक ने इस इलाके के साथ और मेरे मुल्क पर बहुत करम किया है कि मेरा एक ग्रुप यहाँ पर आया जिसमें ख्वाजा जूर साहब की क्यादत में हम दोस्त इकट्ठे हुए और मैं अजमल साहब अरुण शाह साहब मरहूम अरुण शाह साहब फरमीर साहब इब्राहिम से इंशाल्लाह यानी कि ये कुछ चीजें जो साजा जो इस इलाके से सामने आए इससे पहले क्या होता था इस इलाके में यहाँ पर तो साजा गिनती के लिए भी नहीं आते थे बाहर से आते तो गिनती भी नहीं करते थे लेकिन जब हमारा ये ग्रुप सामने आया ये तकरीबन 10-12 बजा होंगे जो हमें इस ग्रुप के शिक्षक में डिपार्टमेंट में जब आए तो हमने एक टीम की तरह अपने स्कूलों को चपकाने की कोशिश की और इंसाफ की सरवाई जो है अंजम तरीन तजीज के प्लेटफॉर्म से ख्वाजा जूर साहब ने की उनको मैं खराज तसीद पेश करता हूँ जो जो आज इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए दावत उनको थी। ये स्कूलों में आपको जितने भी हमारे स्कूल हैं अब या संपुर है चंकू जो भी आपको अच्छे स्कूल नजर आ रहे हैं तो आप देखें उनमें जूर साहब का नुमाइंदगी उनकी जो सरवाई हमें हासिल है। मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि रूर साहब आप अच्छे अच्छे मनसूबे सोचते ही रहते हो जब हमारे दरमियाने में आप बात करते हो तो आपकी थीवरी को इम्प्लीमेंट करने वाला मैं खड़ा हूं उनको पता नहीं होता उनकी बात करके भूल जाते हैं लेकिन उसको मैं फौरन इम्प्लीमेंट कर देता हूं। बहरहाल बात लंबी हो रही है मेहमान भी बैठे हैं आप सबका शुक्रिया मैं आप में से अपने मुअज्जज़ मेहमानान की तकारीर पेश करना चाहता हूँ ताकि अपने हालात साहब को मुस्तफीद करें। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मलक नहीं जो हमारा कृषि के चेयरमैन है आकर एक दो बातें
आपके आपसे शेयर कर ले। मौलवी साहब आ जाए, जिंदगी पहली बार आ जाए, आ जाए।